अब मैं अपने कमेटी की जानिब से जनाब मुख्तार लाला साहब को आवाज दूंगा कि वो आए और हाफिज साहब का दोनों के हाथ से इस्तकबाल करें। इसी कड़ी में हमारे बीच और हाफिज साहब का दोनों के हाथ से ये कुछ नसीबे हैं कि आप लोगों को इस अंजुमन में जो है बुलाया जा रहा है। हमारे कमेटी की जानिब से जनाब डॉक्टर इम्तियाज साहब, जनाब मास्टर मोहम्मद सलीम साहब, जनाब हमीद बिनू साहब, ये लोग आए और हाफिज साहब का फूलों के हाथ से इस्तकबाल करें। चाय पिए अदरक वाला चाय। अब मैं आप लोगों के सामने अपने बीच हमारे तंजीम जो चल रहा है हमारे पीर मुर्शिद के नाम से हर साल जनाब गौस अहमद साहब के जानिब से जो भी इमाम साहब तरावी पढ़ाने के लिए आते हैं उनके जानिब से लिबास कुर्ता पैजामा दिया जाता है। अगर और कोई छूटा हो तो आप नाम बताइएगा। जनाब हमारे आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी बताइए, वक्त दीजिए। आज लैलतुल कद्र की रात है, मस्जिद में जितना देर तक बैठेंगे बस आप एक काम का नियत कर लीजिए, पूरा सवाब मिलेगा। अब मैं अपने कमेटी के जानिब से जनाब मोहम्मद शमसुद्दीन साहब को बुलाना चाहता हूँ कि वो आएंगे और हमारे जो है नायक इमाम अब कहना चाहिए हाफिज साहब का फूलों के हाथ से इस्तकबाल करेंगे। मैं उस शख्स को माला पहनाना चाहता हूँ जो हमारे मस्जिद का निजाम इतनी अच्छी तरीके से चलाते हैं, हमारे इस मस्जिद के तकियादार मोहम्मद एहसान साहब को सुभान अल्लाह कहता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। बड़ी खुशी होती है जब चंदा पड़ी कुरान शरीफ सुना और उसके बदले या कुछ हम तोहफे के रूप में हाफिज साहब को दे रहे हैं। तो रात ने जो जिस तरीके से ताउन किया है काबिले तारीफ है। मैं अपने सेक्रेटरी जनाब अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि जितने भी हुजाजे कराम हैं वो सामने खड़े हो जाएं और इमाम साहब को अपने मुबारक हाथों से ये नजराना पेश करें। जनाब हाजी जा मोहम्मद साहब, हाजी मोहम्मद कलीम साहब, जनाब अबुल कलाम साहब, हाजी जाकिर साहब, मोहम्मद सजूर साहब, अबू बैदा साहब, सभी लोग मिलके और ये नजराना जो है हाफिज साहब को पेश करेंगे। वाह खड़े हो जाइए। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। ये तो कमेटी के जानिब से दिया गया, हमारे मस्जिद का वसूल था कि हमारे नौजवान कमेटी जो है नौजवान लोग जो है वो अलग से कुछ काम किया करते थे। उस रस्म को मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। केवल 5 मिनट के लिए मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूँ कि जिससे जितना हो सके कमेटी के जानिब से 70,000 रूपए नजराना दिया गया है, आप इसमें और कुछ अगर शामिल करना चाहते हैं तो आप जनाब केवल 5 मिनट के लिए उसमें कुछ शामिल कर सकते हैं। आप जनाब हमेशा काम करते हैं, लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जनाब जितना हो सके इसमें आप जरूर काम करिए।
आप हजरात से गुजारिश है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हाफिज साहब को नजराना के रूप में, और इन्होंने वहां से आकर 500 रुपए जमा कराए हैं और 500 रुपए मोहम्मद अहमद उर्फ बबलू साहब सगी मनेजर साहब के साथ जाते हैं, मोहम्मद शमसुद्दीन साहब 200 रुपए, मोहम्मद हलीम साहब 100 रुपए। सरकार के नाम से हमारे छोटे भाई नूरुल्लाह जी के नाम से जानते हैं 1200 रुपए काम कर रहे हैं, मोहम्मद एजाज हमारे छोटे भाई डॉक्टर साहब के साथ जाते हैं इनकी जानी से 500 रुपए। ये मोहम्मद मकसूद ये हमारे हमीद के भाई साहब है 200 रुपए, ये हमारे हाजी साहब एजाज राना साहब उनके साथ जाते उनके जाने से 500 रुपए, मोहम्मद सिराज साहब की जानी से 500 रुपए, मोहम्मद आमिर साहब के लड़के की जानी से 100 रुपए 1000, मोहम्मद सबीर साहब ये मोहम्मद सरबा साहब जाते उनके जानी से, मोहम्मद आसिफ साहब की जानी से 200 रुपए। लीजिए आप हमारे मस्जिद में बहुत सालों से खिदमत किए हैं हमारे जनाब हाफिज मोहम्मद आबिद साहब, उनके लिए भी हमने कुछ नजराना तय किया है। कमेटी के जिम्मेदार और लोगों से राय मशवरा करके उनके हक के लिए हमने 15,000 रुपए नजराना के रूप में देने के लिए 15% दिया है। लिहाजा मैं अपने कमेटी के मेम्बरानों से गुजारिश करता हूँ, मुख्तार आला साहब आए, डॉक्टर इंसान इम्तियाज साहब, हमीद बिदू साहब, शरीफ मास्टर साहब ये खड़े हो जाए और उनको ऐसा वहां कपड़ा रखता है। मिलके इस मस्जिद के लिए अब मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ इनके नाम में भी आपको थोड़ा रुपए कहिए और इनके लिए भी आप लोगों से गुजारिश है यहाँ को थोड़ा थोड़ा काम करिए ताकि इनका भी कुछ और हिस्सा बन जाए। सुभान अल्लाह हमारे ये सुभान अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद हमीद रजा और हमारे भाई अहमद बबलू की जानिब से 500 रुपए और ये जो है रजा हाफिज मकबूल साहब के साथ जाके 500 रुपए इनकी जानिब से, मोहम्मद सलाउद्दीन के जानिब से 500 रुपए, मोहम्मद अयूब बाबू के जानिब से 200 रुपए, जनाब हाफिज हाफिज साहब के नाम से कितना है क्या नाम है तुम्हारा साहिब करिए नजरा 300 रुपए कोई नेक बंदा ज्यादा कर दे ना कौन बोल जी हो जाए लेकिन आपका कहना पूरा हुआ उन्होंने लगभग कहा 300 रुपए डॉक्टर इंसान साहब कितना हो गए 8,000 15,000 23,000 रुपए आ गया 23,000 रुपए हुए। अब इरफान लाला की जानी से 100 रुपए, ये अबू साहब 700 रुपए, तस्लीम बाबू हमारे बाहर बैठे हैं उनके जानी से 100 रुपए, 200 रुपए हफीज बाबू साहब के कुजैन और 100 रुपए हफीज बाबू, अपराध वकील साहब की जानी से 100 रुपए, अहमद असरफ की जानी से 500 रुपए, मोहम्मद एजाज साहब की जानी से 200 रुपए, दोनों लोगों ने 100 रुपए जमा कराया, 500 रुपए नूर लाइन साहब 500 रुपए और 500 रुपए मोहम्मद रफीज रजा की जानी से, उनके जानी से आप 1 रुपए आप आज काउंट करेंगे
70 गुना सवाब है। लिख गया है आज 5550 रुपए, कितना हुआ? बात तो पहले था 17,50 रुपए। सभी पैसा को टोटल दिया जाए तीनों को कितना हुआ? अब एहतसाब की जाने से 50 रुपए। हमारे इस मस्जिद में आप लोगों के खैर बरकत के लिए हमारा चार लड़के और हमारे जो चार भाई हैं अजमत की जाने से लिफाफा लेके उनको जाके काम करेंगे। हमीद बिनु साहब, आप लोगों ने जिस तरीके से काम किया अंजुमन कमेटी के जानिब से, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और आप लोगों से एक दरख्वास्त और है, हमारा कब्रिस्तान जगमगा रहा है, आज की रात लैलतुल कद्र की रात है, खूब इबादत करिए, अपने गुनाहों से तौबा करिए और हमारे तंजीम के जानिब से मस्जिद में कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम भी हमारे जो मेहमान है उन्होंने किया है, यानी इबादत भी करिए, चाय भी पीजिए, उसके बाद आप कब्रिस्तान जाइए और अपने अपने मरहूमीन के इजाले सवाब करिए। अपने हाफिज साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो नहीं है मैं उसके लिए हमारे जो साजिद सदर जनाब मोहम्मद सगीर साहब और मोहम्मद अबरार एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हमारे जो मस्जिद के इंतजामिया का जो पूरा तरीके से जो इत्माम करते हैं उनको नजराना देंगे। एहसान साहब को और इनको दीजिए। आओ एहसान, एहसान भाई 20,000 आपके साथ एहसान का 18,000 लीजिए। आपके सामने हमारे इमाम साहब किताबत करेंगे। क्या नहीं दो मिनट के अदब करने की तौफीक अता फरमाए। मौला की बारगाह में दुआ है, मौला हम लोगों के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।